हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी के साथ अपने गांव पहुंचा हूं। इस गांव में बढ़ती हुई हरियाली, खेतों की सुंदरता और ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे इतने मनमोहित कर रहे हैं कि मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी हैं। इन पेड़ों की डालियों में हमने अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ जो गीत गाए थे, जो खेल खेले थे, आज वो सिर्फ यादों में सिमट कर रह गए हैं। उन यादों में इतनी ताकत है कि मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है। जिस प्रकार से मैं इस गांव में पहुंचा हूं, यहां मेरे मित्रों की उम्र ज़्यादा होने के कारण वह अपने रोजी रोटी के लिए शहर से बाहर चले गए हुए हैं। कोई भी नहीं है मेरे मित्र जो जिनके साथ मैं गांव में खेला करता था, आज वो सब अपने शहर की ओर रुख मोड़ चुके हैं, परिवार के साथ अपना जीवन यापन चलाने के लिए निकल चुके हैं। गांव में मेरे कोई मित्र नहीं हैं, लेकिन मैं आज आया हूं यहां पे सभी लोगों को पूछते कि क्या कोई है मेरा मित्र, लेकिन कोई मेरा मित्र यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी इस गांव की मोहित खुशबू और सुंदरता को देख करके एक बार मेरा दिल फिर से खुशियों से झूम उठा है। मैं चाहता हूं कि ऐसी हरियाली और वो बचपन जहां आपका गुजरा हो, उस बचपन को याद करने के लिए आप अपने गांव, अपने मामा के यहां, अपने दादा के यहां, दादी के यहां, कहीं भी हो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा मनमोहित दृश्य कुछ भी नहीं हो सकता है। इन पेड़ों की डालियों में हमने ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक 11 पेड़ मेरे नाना जी के घर पे लगा हुआ था, और इन पेड़ों में हर एक पेड़ों में मेरी यादें छुपी हुई हैं, हमारे बहन भाई और हमारे दोस्तों की यादें छुपी हुई हैं। ये पूरा गांव आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, या हम गाय को लेकर के, बकरियों को लेकर के, भैंसों को लेकर के हम लोग बचपन में चराने जाया करते थे, और यहीं पे एक आगे एक नदी थी, तो जब हम थक के दोपहर में थक जाते थे तो उस समय हम उस नदी में जा कर के मतलब नहाया करते थे, अपनी थकान को दूर करते थे, इससे कि हम एक बार फ्रेश होकर के फिर से अच्छा महसूस कर सकें, है ना। ये बगीचा आप देख पा रहे हैं, ये बगीचा भी मेरे नाना जी का ही है। इसमें मतलब मेरे घर में मेरे नाना जी और मेरे मामा जी दोनों लोग सरपंच थे, तो उस समय हमारे पास मतलब एक सरपंच की शक्ति का तो आपको अंदाज़ा होता ही है, तो उस समय बहुत कुछ हमारे नाना और मामा जी ने बनाया था। आप देख पा रहे हैं ये बगीचा है, और इन बगीचों के बीच में हम अपने स्कूल के बाद जो छुट्टियां होती थी, उस छुट्टियों में आकर के पूरे 3 महीने हम यहाँ पर बिताया करते थे, है ना। आज मतलब 8-9 महीने बाद यहाँ पे आया हूँ, और मुझे मतलब मेरा मन बहुत दिनों से कह रहा था कि धान की कटाई से पहले मैं एक बार अपने गांव की तरफ रुख मोड़ूँ, और आज अपनी माता जी के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ। सभी से मुलाकात करके अच्छा लगा, लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे नहीं हैं, जिनका मुझे आज भी अफसोस है। वो मित्र अगर होते तो एक बार फिर से वही यादें ताज़ा हो जाती, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी भी अपने गांव जाएं और अपने बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए। और वैसे भी इंसान की ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो गई है, इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष जीवन में आ गया है कि कोई भी अपने गांव की तरफ रुख नहीं मोड़ता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो कोई बात नहीं, जब भी समय लगे आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को ये ज़रूर बताएं कि गाँव जैसी खूबसूरती, शहरों में निवास करने वाले लोग आज जो शहरों की तरफ रुख मोड़ चुके हैं, वो गांव से ही निकल करके आज वो व्यक्ति शहर में पहुंचे हुए हैं, है ना। तो यहाँ के संस्कार और यहाँ के लोगों की बात ही अलग है। शहरों में तो लोग निवास करते, लेकिन संस्कार और कल्चर हमारे गांव से ही हमें मिलता है। जो संस्कार यहाँ पे हैं वो हमारे शहरों पर नहीं है, है ना। लेकिन आज संस्कार देने वाले हमारे नाना नानी, मामा मामी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और अगर कोई है भी तो सियाने हैं, है ना। तो इसलिए अपने बच्चों को गांव ज़रूर घुमाएं, वहां की संस्कृति और कल्चर के बारे में भी बताएं,
जो अपने अपने जीवन में सीखा था, जो अपने जीवन में किया था, वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को। मैंने जो ये मोहित दृश्य दिखाया, ये शायद आप सभी को अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।